हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अध्याय 3 परमाणु एवं अणु शुरू कर दिया था, जिसमें हमने परमाणु क्या होता है उसके बारे में अच्छी तरह से समझा कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जिसे हम और छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है परमाणु। ठीक है, या हम और परिभाषित रूप में करते हैं तो किसी पदार्थ की रचनात्मक इकाई को परमाणु कहते हैं। कोई सा भी पदार्थ होता है, चाहे वो जल के रूप में हो या तत्व के रूप में हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, कोई सा भी पदार्थ हो, प्रकृति में जो भी पदार्थ हैं, वो सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, यह जो परमाणु होता है यह कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। ये जो परमाणु है यह कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। साथ में ही जो जॉन डॉल्टन है उन्होंने परमाणु के बारे में कुछ अभिव्यक्तियां दी थी, जिसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था कि परमाणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी सभी प्रकार के जो परमाणु निर्मित होते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पदार्थ के जितने भी भाग हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु जो होता है अविभाज्य होता है। जॉन डॉल्टन ने जो बताया था कि परमाणु जो होता है अविभाज्य होता है, अर्थात परमाणु को हम छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते। लेकिन बाद में आधुनिकीकरण में, यानी जो फिर नए आगे जैसे जैसे स्टडी होती चली गई, परमाणुओं को भी और छोटे छोटे तीन भागों में तोड़ दिया गया। वो थे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये परमाणुओं को तीन भागों में तोड़ दिया गया है, जिसे हम अगला जो अध्याय हमारा रहेगा उसमें हमको इसको हम इसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन था वो ऋण आवेश में था, प्रोटॉन जो है वो प्लस आवेश में थे, धन आवेश में था, और जो न्यूट्रॉन होता था वो न्यूट्रल होता था, यानी इसमें किसी प्रकार से कोई आवेश नहीं होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से परमाणुओं को भी और छोटे छोटे तीन भागों में तोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये यहां पर परमाणु के बारे में जो है, और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इसके बारे में हम विस्तृत से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। फिर एक और पॉइंट दिया था कि दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान या रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं यदि उनके जो परमाणु है उन सभी के जो रासायनिक गुणधर्म है और उनका आकार आकृति जो है वो एक समान होती है। सपोज ये चाक है और इस चाक के जितने भी हम छोटे छोटे कण करेंगे तो सब में ही एक ही प्रकार के गुण विद्यमान होंगे। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी सी देर में यहाँ पे इसमें से चारा भूसा हो जाएगा या इसके गुण में किसी प्रकार से परिवर्तन आ जाएगा। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, इन सभी के जो रासायनिक गुण होते हैं वो सब एक समान होते हैं, और अलग अलग जो धातुएं होती है उनके परमाणुओं की आकार आकृति और उनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये हमने जॉन डॉल्टन के जो प्रमुख सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ा था और उसमें समझा था। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे वो है परमाणु का आकार और परमाणु का आकार। ठीक है, अब परमाणु के आकार की यदि हम बात करें तो परमाणु इतने सूक्ष्मतम छोटे रूप में होते हैं कि हम उन्हें खुली आंखों से देख नहीं सकते। हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे चौक है, मेरे हाथ में चौक लग चुका है, इसको भी हम और बारीक रूप में करते हैं, इतना बारीक कर लेते हैं कि यह सिर्फ हम और छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो परमाणु होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसे खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, और जो इनको इनकी जो त्रिज्या होती है जितने इन्हें मापा जाता है वो होती है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसे जो है नैनोमीटर,
नैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या के बारे में हम अच्छी तरह से समझते हैं क्या होती है, तो उसकी त्रिज्या है वो नैनोमीटर के रूप में मापी जाती है। और यह जो होती है 10^-9 एनएम के बराबर होती है, जो 1 मीटर के बराबर में जाती है। ठीक है, यानी 1 एनएम इक्वल टू 10^9। तो यहां पर जो है परमाणु इतना बारीक होता है, हम इसकी तुलना ही नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से यदि हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, तो मान लीजिए हम एक दीवार का निर्माण कर रहे हैं, तो दीवार का निर्माण करने में हमें किस किस की चीज आवश्यकता होती है? प्रमुख रूप से उसमें आवश्यकता होती है ईंटों की, अन्य पदार्थों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है हमें यहाँ पर ईंटों की। और यही ईंटे आपस में जोड़ होकर एक दीवार का निर्माण करती है, और यह दीवार जब आपस में पूरी तरह मिलती है तो एक कमरे का निर्माण करती है। इसी प्रकार से किसी भी पदार्थ का जो निर्माण होता है एक छोटे छोटे कणों के माध्यम से ही होता है, और यह एक दीवार की संरचना के रूप में हमें प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर परमाणुओं का आकार होता है। इसी तरह जितने भी परमाणु होते हैं उनके सापेक्ष यदि हम बात करते हैं, तो बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं कि परमाणु की जो हमने त्रिज्या के बारे में पढ़ा कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है 10^-9 एनएम के बराबर होती है, यानी कितना छोटे रूप में होता है। तो यदि हम एक सापेक्ष तुलना करें किसी चीज से, तो यहाँ पर हमने लिया है त्रिज्या जो कि मीटर के रूप में होती है, नैनोमीटर में मापी जाती है। तो हाइड्रोजन जो उसका जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, यदि उसकी त्रिज्या की बात करें तो 10^-10। और यदि सेब की बात करते हैं तो उसका जो त्रिज्या जो बनती है सेब की, वो होती है 10^-1। तो यहाँ सब सोच सकते हैं कि एक सेब है जो कि उसकी जो त्रिज्या है वो 10^-1 है, और एक हाइड्रोजन का परमाणु है उसकी जो त्रिज्या है वो 10^-10 एनएम है, यानी नैनोमीटर है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि एक जो परमाणु है उसका आकार कितना छोटा होगा, उसका आकार कितना छोटा होगा यदि हम एक सेब तुलना करें जो -1 में आ रही है, 10^-1 नैनोमीटर में आ रही है, वो सामान्य से इतने बड़े सेब होते हैं। और चींटी का आकार जो है वो 10^-3, रेत कण की बात करते हैं तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो 10^-4 है। हीमोग्लोबिन कण जो होते हैं जो रक्त में पाए जाते हैं उनका जो कण है वो 10^-8। जल के अणु जो रहते हैं, जल का अणु जो है H2O, उसका जो त्रिज्या है वो 10^-9 होती है। तो यहाँ से हम कल्पना कर सकते हैं कि एक परमाणु की जो त्रिज्या है, जो आकार है, वो कितना छोटा होगा। ठीक है, तो इन छोटे छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, जब परमाणु का आकार इतना छोटा है, अब परमाणु का आकार इतना छोटा है तो फिर हमें इसे समझना या जीतने की आवश्यकता क्यों है? जब परमाणु का आकार इतना छोटा है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है जिसका आकार इतना छोटा है, और तो हम इसे नगण्य है ना, इसको फिर माने ही। सवाल ये उठता है कि जब ये इतना छोटा है तो हम इसे माने ही, इसको नगण्य क्यों नहीं मान सकते हैं? तो हम इसके बारे में क्यों सोचे? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। कहीं ना कहीं किसी चीज की शुरुआत होती है। यदि हम ऊपर चढ़ाव की बात करते हैं तो पहला पायदान होता है, जब उस पहले पायदान पर चढ़ते हैं तभी तो हम दूसरे पायदान पर चढ़ते हैं। तो जैसे प्रकृति में जितने भी पदार्थ बने हैं तो उन पदार्थों की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत ही तो परमाणु है। यदि हम उसके बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे, तो आगे की जो प्रोसेस होती है या किसी चीज को समझने की जो प्रक्रिया होती है वो हम कैसे कर पाएंगे? जो हमारा पहला बेस है यदि हम उसको ही ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो हम आगे की चीजों को पूरी तरह से समझ ही नहीं सकते। यानी शुरुआत का जो पहला कदम है यदि हम उसको अच्छी तरह से समझते हैं तो अंत तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इसलिए परमाणुओं के बारे में पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, तथा इसका प्रभाव जो रहता है वो हमारे आधुनिक वस्तुओं पर भी पड़ता है जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह परमाणुओं की आवश्यकता प्रदर्शित होती है।
अब हम यहां बात करते हैं कुछ परमाणुओं के आधुनिक संकेत। तो यहां पर जो परमाणु होते हैं वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के सूक्ष्मतम कण होते हैं, ठीक है, यानी वो कुल मिलाकर उन तत्वों का भाग होते हैं और उन्हीं से ही उन तत्वों का निर्माण होता है। तो उन परमाणुओं की पहचान करने के लिए उन्हें संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इन परमाणुओं को पहचानने के लिए, ताकि हम जल्द से जल्द उसको व्यवस्थित रूप से पहचान सके, तो उस पहचान के लिए उन्हें विभिन्न संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे परमाणुओं के आपन संकेत कहते हैं। लेकिन जब शुरू में डॉल्टन ने इन तत्वों को खोजा था तो उसने अपने स्वयं के कुछ संकेत बनाए थे, उन्होंने अपने स्वयं के कुछ संकेत बनाए थे। तो यहां पर शुरू में जॉन डॉल्टन ने उस समय जो कि अत्यधिक मात्रा में तत्वों की खोज नहीं हुई थी, तब उन्होंने जो परमाणुओं के जो संकेत थे कुछ इस प्रकार से बनाए थे, यानी उन संकेतों के माध्यम से उन परमाणुओं की पहचान की जाती थी। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक गोला बनाया, उसके बीच में एक डॉट बना दिया, तो जो हाइड्रोजन को प्रदर्शित करता था वो किसको प्रदर्शित करता था, हाइड्रोजन को प्रदर्शित करता था। कार्बन के लिए गोला बनाया था और मध्य में कुछ उसका भाग काले रंग में रखा गया जो कार्बन को प्रदर्शित करता था। ऐसे एक पूर्ण गोला जो बनाया वो ऑक्सीजन के लिए। इस प्रकार से डाल्टन के द्वारा किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो वह प्रतीक उस तत्व की निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्थिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो तत्वों के नामों के एक या दो अक्षर से प्रदर्शित होता था। तो जब रसायन शास्त्र की शुरुआत हुई तो वहां पर जैसे जैसे प्रगति होती चली गई, इनमें भी फिर परिवर्तन होता चला गया। बाद में फिर इन तत्वों को आधुनिक रूप में जो है नए संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाने लगा, जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के जो लगभग 110 के आसपास तत्व खोज लिए गए हैं, उन सभी तत्वों को लैटिन या ग्रीक भाषा के माध्यम से एक विशेष प्रकार के संकेत दिए गए। जैसे हम बात करें आधुनिक रूप में, तो यहां पर हाइड्रोजन के लिए जॉन डॉल्टन ने शुरू में एक डॉट के रूप में उसे प्रदर्शित किया था, लेकिन आधुनिकता में फिर हाइड्रोजन को ऐसे संकेतित किया गया। अब ये संकेत होना क्यों जरूरी है? अब यदि हमें किसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करना हो या उस रासायनिक अभिक्रिया का पूरी तरह से निरूपण करना होता है, जिसे हम अच्छी तरह से पढ़ते हुए आए हैं, थोड़ा एट्थ क्लास में हमने रासायनिक समीकरण देखे हैं, तो उस रासायनिक समीकरण को यदि हम जिस पूरे नाम से लिखने का हम करेंगे तो हमें काफी स्ट्रेस भी लगेगा और साथ में ही वो जो समीकरण है वो ठीक तरह से व्यवस्थित रूप से दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए जो परमाणु होते थे उन परमाणुओं के तत्वों को एक संकेत के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता था, जिससे संकेतन भी आसानी हो जाए और हमारा काम करने का जो तरीका है वो भी व्यवस्थित हो जाए। जैसे हाइड्रोजन के लिए एच दिया गया, हीलियम के लिए एच। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो तत्व थे और उनके परमाणु थे उनको संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाने लगा, जो कि आधुनिक IUPAC जो संख्या बनी थी IUPAC, इसका ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यह एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था थी है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। जब जैसे जैसे आधुनिकता की ओर बढ़ते चले गए, नए नए तत्वों की खोज हुई, तो जो पुराने समय में जो संकेत दिए गए थे वो लाभदायक नहीं थे, तो नए संकेतों का वहां पर होना अत्यंत आवश्यक माना गया था। तब एक संस्था बनाई गई IUPAC, यानी IUPAC, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है। और इसका जो प्रमुख कार्य है वो यही है कि रसायन शास्त्र में जितने भी नए पदार्थ बन रहे हैं या नए तत्वों की खोज हो रही है, तो उनका नाम
वैसे उनसे उस पैरामीटर टेबल में रखना। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता था। अब इसमें भी कुछ बंधन थे, इसके बारे में हम आगे और करेंगे। आपको अच्छी तरह से भी मैं बता दूं कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी जिसे हम कहते हैं, उसमें कम से कम 20 से 25 शुरू के जो तत्व हैं उनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ना प्रारंभ कर दें, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह से जब याद रहेंगे तो ही हम इसे आगे अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ उनके बारे में अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो आयुपेक द्वारा यानी IUPAC द्वारा जितने भी तत्व होते थे उनको नामकरण किया जाता था, और इनके द्वारा जो नामकरण किया जाता था उसमें जो पहला अक्षर होता था, जो भी तत्व खोजा जाता था और उसको जो नामकरण करते थे तो उसका जो पहला अक्षर है वह कैपिटल होता है। यानी जो भी तत्व खोजे जाते थे तो उसका जो पहला अक्षर होता था वो हमेशा कैपिटल होता है या कैपिटल रखना होता था, ये कंपलसरी था जिस प्रकार से उनकी नामकरण की पद्धति होती थी। और जो दूसरा था, दूसरा अक्षर यदि उसमें दिया जाता, दूसरा अक्षर सदैव स्मॉल होता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को यदि मैं लिखूं तो यह कैपिटल एच के रूप में होता है, लेकिन यदि और दूसरे नाम आते हैं जैसे आ गया ऑर्गन, ऑर्गन भी एक तत्व है, तो इसे हम पहला अक्षर तो कैपिटल ए होता है लेकिन पीछे अक्षर जो है स्मॉल आर के रूप में यहां पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम आयुपेसी नाम में जो तत्वों के जो संकेत दिए गए हैं यदि उन संकेतों का हम उपयोग करते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उसका पूरी तरह से पालन करें, हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, यदि मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन के कार्बन के बारे में लिखा तो कार्बन का जो संकेत है वो सी है। ठीक है, कोबाल्ट का लिखा तो कोबाल्ट का सी और स्मॉल ओ, इस प्रकार से कोबाल्ट का होता है। यदि आपने यहाँ पर सी और कैपिटल ओ लिख दिया तो यह तत्व पूरी तरह से बदल ही जाएगा, ये यौगिक कंपाउंड के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित होगा जो कि बनता है कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो यदि आपने यहाँ पर संकेतों का उपयोग किया तो उसमें आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है कि जो पहला अक्षर होता है वो सदैव कैपिटल के रूप में रहेगा। ठीक है, जो भी हम संकेत यूज करते हैं तत्वों के जो रासायनिक समीकरण होगा या संकेत हम प्रदर्शित करते हैं तो उसमें पहला अक्षर जो है आपका कैपिटल रहेगा और सेकेंड अक्षर जब उसमें आता है आपका वो सदैव स्मॉल रहेगा। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो यह पूरी तरह से गलत हो जाएगा और इससे सिद्ध होगा कि आपने अभी तक रसायन शास्त्र को ठीक से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये संकेत आपको विशेष रूप से अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब जो हमारे प्रमुख तत्व होते हैं इनकी पीरियोडिक टेबल जो रहती है वो आपको अच्छी तरह से याद करना है ताकि हम जब आगे का अध्याय शुरू करें या आगे हम जब पढ़ रहे हैं तो वो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, बच्चे यहाँ पर मैं कुछ तत्वों के नाम लिख रहा हूँ, उनके संकेत लिख रहा हूँ, उनके परमाणु क्रमांक लिख रहा हूँ जिसे आपको अच्छी तरह से याद करना है ताकि जब हम आगे और अध्ययन करें तो आपको किसी प्रकार से कोई चीज समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे परमाणु क्रमांक, तत्व या परमाणु और उनके संकेत, परमाणु क्रमांक एक तत्व जो है हमारा हाइड्रोजन और संकेत इसका है H।
जैसे दूसरे नंबर पर है हीलियम, इसका संकेत है एच ई। तीसरे नंबर पर है लिथियम, एल आई। चौथे नंबर पर बेरिलियम, इसका संकेत है बी ई। पांचवे नंबर पर है बोरॉन, इसका संकेत है बी। छठे नंबर पर कार्बन, इसका संकेत सी। सातवें पर नाइट्रोजन, ए। आठ पर ऑक्सीजन, ओ। नौ क्लोरीन, एफ। दस नियॉन, एनी। ग्यारह सोडियम, एने। बारह मैग्नीशियम, एमजी। तेरह एल्यूमिनियम, ए। चौदह सिलिकॉन, एस आई। पंद्रह पर फास्फोरस, पी। ये प्रमुख हैं, इसके अलावा और भी हैं जो आपको अच्छी तरह से और याद करना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है परमाणु और उनके संकेत तथा उनके क्रमांक यहाँ पर दिए गए हैं। 16 नंबर पे जैसे है सल्फर, इसका संकेत एस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम तत्वों के संकेतों को अच्छी तरह से समझते हैं और उन्हें अच्छी तरह से आपको याद भी करना है, ठीक है।